दास, मैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज को बोलते हैं हम जन सुविधाएं। डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर बेटा पब्लिक फैसिलिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली पब्लिक फैसिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैनिटेशन है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, या फ्री पानी है, या बिजली है फ्री, या ये सभी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली मदद लोगों की हेल्प करती नहीं करती लोगों के लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नीडेड टू लीव इन अ गुड हेल्दी लाइफ। जरूरी नहीं है कि जेब में पैसा हो तो हम दुनिया की सारी चीज़ें खरीद लें और सारी चीज़ें हमारे पास हो। इनकम इज नॉट कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। इनकम ही, कमाई ही एक जरिया नहीं है जिसके पास जरिए कि सभी एडिक्वेट चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। मनी कांट बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। एक पैसा होने से आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई है तो उसको अच्छी जगह दिखा सकते हैं, मगर उसको मिटा नहीं सकते क्योंकि वो बीमारी बढ़ रही है। इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस। केरला हैज़ अ लो मोर्टेलिटी रेट सिंस इट हैज़ इंडिकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। केरला के अंदर लो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पे हेल्थ कंडीशन अच्छी होने की वजह से वहाँ पे एजुकेशन रेट भी हाई है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है धारणता का विषय विकास का। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम एनवायरमेंट को, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए बिना ही आगे बढ़े। एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़। आजकल हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर है वो सीरियस थ्रेट बनता जा रहा है ओवर यूज़ का, यानी कि लगातार हम ज़मीन के नीचे का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा वो पानी ख़त्म भी हो सकता है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस इन ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ज़मीन के नीचे का पानी, भूमि स्तर का पानी रिप्लेनिश होता रहता है, खुद तैयार होता रहता है अगर उसको छेड़ा ना जाए तो। कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज और फ्यूचर इज लिंक टूगेदर। हम अपनी आर्थिक तरक्की को, यानी कि पैसे के मामले की तरक्की को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और मनुष्य जीवन दोनों ही दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को अगर छोड़ देते हैं और सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ की ओर जाते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए खतरे का निशान है। Sustainability of development is a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. Sustainable development का मतलब ही असल मायने में है कि हम present में रहकर future generation की भी need को ध्यान में रखें और अपने resources को minimize करें, अपने resources को इस्तेमाल को minimize करें, ताकि आने वाली future generation के लिए वो समान रहे। ये सभी तरह के वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का, विचारकों का मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि धारणिता का विषय विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें प्रेजेंट जनरेशन में रहकर फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हमने प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के लिए नीड के लिए नहीं सोचा तो उनके पास उन रिसोर्सेज की एबिलिटी नहीं होगी जिससे वो ग्रोथ कर सकें या डेवलपमेंट कर सकें। थैंक यू।